नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का वही चीर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। कोरोना से बचाएगा ये ऐप, क्या है इसकी सच्चाई, आइए जानते हैं। इस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु ऐप। इस ऐप की विश्वसनीयता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इस ऐप के इस्तेमाल करने की बात कही है। आप इस वीडियो क्लिप को देख सकते हैं। एक और बात जिस पर आप सभी को बहुत ध्यान देना है वो है आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप। मैंने अभी एक टीवी के अंदर एक किसी कलाकार का देखा था, उसने इस आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को बॉडीगार्ड कहा। ये मोबाइल ऐप कोरोना से लड़ाई के लिए बहुत उपयोगी है। ये ऐप आपके मोबाइल में रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके गांव में सामने वाला किसी ऐसे इलाके से तो नहीं आया जो कोरोना प्रभावित रहा हो। आपकी खुद की सुरक्षा के लिए, आपके गांव की सुरक्षा के लिए, आपके आसपास वालों की सुरक्षा के लिए आप अगर ये आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, पूरे गांव के पास करवाएं, ये लंबे अरसे तक आपका बॉडीगार्ड का काम करेगा। मैं देश के सभी पंचायत प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि आप सभी अपने गांव के प्रत्येक सदस्य के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करवाएं। ये एक प्रकार से हमारी सुरक्षा का सेतु है। इस ऐप की विश्वसनीयता का आलम यह है कि आरोग्य सेतु ऐप का कॉपी गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां करने जा रही हैं। आरोग्य सेतु के तर्ज पर गूगल और फेसबुक भी अपना खुद का ऐप बनाने की तैयारी में है। आइए जानते हैं कैसे काम करेगा ये। इसकी मदद से आप जिन्हें कोरोना हो गया है उनसे दूरी बना पाएंगे, अर्थात ये ऐप आपको खुद बताएगा कि जो इंसान आपके संपर्क में है वह कोरोना पॉजिटिव है या फिर निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो आपको उससे दूरी बनानी है, लेकिन इस ऐप के कुछ कंडीशन हैं, कुछ शर्तें हैं, आइए उन्हें भी जान लेते हैं। आपको बता दें, यह ऐप आपको उन्हीं लोगों का इन्फॉर्मेशन दे पाएगा जिन्होंने इस ऐप को ऑलरेडी अपने मोबाइल फ़ोन में डाला हुआ है, और साथ ही यह ऐप जितने सवाल आपसे करेगा जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में, तो अगर आप उनका सही सही जवाब देते हैं तभी आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। साथ ही ये ऐप कुछ आपसे परमिशन लेगा जिसके हिसाब से ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद जैसे नंबर और कुछ परमिशन की मदद से ये आपके बारे में डेटा कलेक्ट करेगा, जिसका इन्फॉर्मेशन इस ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है ये अगले पार्ट में हम आपको बता देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।